रावी सतलुज ब्यास ये इंडिया की हिस्से में आया था, सिंतास माहिदा का था, एक इंटरनेशनल माहिदा था, ठीक है, और चनाब जेहलम अटक और सिंध ये पाकिस्तान में हिस्से में आप देखें जिसे नॉलेज है वो ये प्रॉपर बात करेगा। हुआ ये के जो था रावी सतलुज ब्यास उस पे इंडिया ने अपने लातदार डैम बना लिया, उसने अपने ये उसका सोना कुदरत का अनमोल तोहफा था, ठीक है, पानी जिंदगी है, अगली जंग है ये पानी पे होनी है। 2017 में हमने टेक्सटाइल मिल के लिए स्पिंडल्स लेने थे, वो हमें स्विट्जरलैंड के होते सबसे महंगे, वो $400 के पर स्पिंडल हमें कास्ट करता था, वही प्लांट रीटर का इंडिया ने अपने पास लगा लिया है, वहाँ पे हमें कास्ट कर रहा था $200 में पर स्पिंडल। कितना फर्क पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा डिलीवरी हम एक साल बाद देंगे, इतना उनके पास ऑर्डर है। बिजली जो है वो आपके दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं, मैं कि आप खत्ते पे तो गौर करें सर, मैं कहता हूँ इंडिया में कितनी फ्री यूनिट है, इंडिया बांग्लादेश और सात दूसरे में उन्हें 7 से 9 सेंट के दरमियान बिजली पड़ती है पर यूनिट, ठीक है, हमें 14 से 16 अब 18 रुपए बिजली पड़ती है, कहाँ से हम इसको करें। मैं कहता हूँ इंडिया पे इल्जाम लगा देंगे, क्या इंडिया क्या कुछ हमें उसको इंडिया को नुकसान होगा हमारे इल्जाम लगाने से, आज हमारा इंटरनेशनल इमेज क्या होगा, बॉदर ही नहीं कर रहा, हम देख रहे हैं ना वो बॉदर ही नहीं करता हमारी तरफ, उसने कान लगाना ही छोड़ दिया, ठीक है, वो ये कहते हैं कि अब हमारा पाकिस्तान से मुकाबला है ही नहीं, नेशनल ट्रेड पे चले गए, बस कश्मीर लेना चाहते हैं कि एक और मुल्क आ जाए उस ताकि एक लेबल और लग जाए हम भीख और मांग सके। ऑलरेडी कश्मीर के नाम पे वैसे बहुत कुछ हम ले रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसके क्यों लेकर जाए जब इधर ही लूट मार मची हुई है, वो हमारे को मामे लगते हैं हमारा साथ देंगे क्यों करें। हाँ बिल्कुल, ये तो हर किसी के अपने मफाद है, वो कहते हैं कि हम चलो साथ दें, हम रिलेशन बेहतर करें, हम किसके साथ बात किसके साथ करें। आप तो देखें ना, आप तो उनको धोखा ही देते हैं ना, सब कोई धोखा देते हैं, यहाँ भी देख लें हर कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है, कोई सिंसियर होके ट्रेड कर रहा है, बिजनेसमैन भी बाहर जाना चाह रहे हैं। अभी आप यहाँ से सारे ओपन कर दें बॉर्डर्स, यहाँ पे सिर्फ कब्रिस्तान रहेगा, तो इंडिया चले जाएंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज फिर से हम पाकिस्तान के शहर लाहौर की मार्केट में मौजूद हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह पाकिस्तान में फैली है कि जी इंडिया ने पाकिस्तान के लिए दरिया रावी का पानी बंद कर दिया, इंडिया ने बहुत जुल्म कर दिया। लेकिन आज पाकिस्तान के बिजनेसमैन पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जो एक मुआहदा हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर, उसके बारे में पाकिस्तान क्या जानता है, क्या पाकिस्तान ने खुद ये साइन नहीं किया था। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि आज के इस दौर में जहां पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज हैं, फिर भी हम कश्मीर का नारा लगाते हैं, पानी चाहिए, कश्मीर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, या क्या चीज चाहिए, पब्लिक क्या ओपिनियन देती है, यूथ क्या ओपिनियन देती है, बिजनेसमैन की क्या राय है, इस वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वसीम मकबूल। आपका नाम सर? नदीम मकबूल। दोनों भाई हैं? जबरदस्त। और आपका नाम? शौकत। क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का। और आप? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, फिर तो बात करके बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो सर ये बताइए, आपने खबर सुनी होगी रावी का पानी रोक दिया गया है इंडिया की तरफ से, ये इंडिया ने ठीक किया गलत किया, सबसे पहले तो ये बताएं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि डैम की और ये सब चीजों की। इंडिया ने तो बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया। इधर हमारा मीडिया रो रहा है कि मतलब जो है वो वजह रो रहा है ना, देखें जब हम खुद सोए हुए रहेंगे, अपने हकूक की हिफाजत नहीं करेंगे, ठीक है, अगर कोई बाहर सोना बाहर पड़ा और चोर उठा के ले जाएं, अच्छा, हम खुद ही हिफाजत ना करें, लॉकर में ना रखें, ठीक है, तो अब ब्लेम उधर तो नहीं जाता, खुद ही एहतियात करनी चाहिए थी, इंटरनेशनली इसको देखना चाहिए था। लेकिन जी लेकिन उसमें ये है ना, आज से तकरीबन 50 साल पहले 1960 में एक मुआहदा हुआ था जिसे सिंतास मुआहदा कहते हैं, शायद आपको पता हो। है वो सेक्रेटरी जो था वो इरिगेशन का जी, बहुत अरसा वर्ल्ड बैंक के अंडर जो ये एक हमारा मुआहदा हुआ था जिसमें ये था कि भाई रावी के पानी पे इंडिया का हक है। रावी सतलुज ब्यास ये इंडिया के हिस्से में आया था, सिंतास मुआहदा का था, एक इंटरनेशनल मुआहदा था, ठीक है, और चनाब जेहलम अटक और सिंध ये पाकिस्तान में इसी में ठीक है। आप देखें जिसे नॉलेज है वो ये प्रॉपर बात करेगा। हुआ ये के जो था रावी सतलुज ब्यास उस पे इंडिया ने अपने लातदार डैम बना लिया, उसने अपने ये उसका सोना कुदरत का अनमोल तोहफा था, ठीक है, पानी जिंदगी है, अगली जंग है ये पानी पे होनी है, ठीक है, उसने अपना सब कुछ कवर कर लिया, एक कतरा भी पाकिस्तान में नहीं आने देता, ठीक है, वो तब आने देता है। सर मैं बात थोड़ी सी रोकना चाहूंगा, आप कहते हैं कतरा भी नहीं आने देता, जब हमारी इधर फ्लड आता है हम कहते हैं इंडिया। मैं सुन
जब वो खुद डूब रहा होता है ना, फिर कहता है चलो मैं तो डूबे इनको साथ डूब लेता हूँ। अच्छा, अगर पाकिस्तान ने इस पानी को स्टोर करने को डैम बनाए थे तो तबाही ना होती, क्योंकि वो तो पानी छोड़ते ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाकी रहेगी सिंध की बात, सिंध हर साल कच्चे कला में लाखों एकड़ जमीन को तबाह करता है पानी, पानी ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से आज तक ये कालाबड़ा डैम का इशू नहीं हल कर सके, दिया मीरबाचा डैम, पासू दासू डैम, कोई डैम बना नहीं सके, तो हम खुद ही अपना सोना बाहर रख रहे हैं कि उठा ले भाई। ठीक है, सिंध ने तो अब देखें उसने चिनाब का रुख चेंज करके लद्दाख से 40 किलोमीटर लंबी पहाड़ों में सुरंग निकाल के उसने दरिया जेहलम का रूट ही चेंज कर दिया, पहाड़ों में वो सुरंग निकाल के 40 किलोमीटर लंबी ले गया इंडिया ने। तो ये देखिए, ये तो उन्होंने अपने कंट्री के लिए किया, मैं ये समझता हूं उन्होंने गलत नहीं किया। इसमें जो हमारे सारे सबका हुक्मरान है ये सब जिम्मेदार है। ठीक है, और हमने उनको चुना, ये हमारी गलती थी, आगे अल्लाह ताला को ऐसा बंदा लाए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए। सर आपने बात स्टार्ट की, मैं उस बात से बड़ा खुश हुआ कि भाई देखें किसी को पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल जो हमारे मुआहदे हैं उसका पता है कि भाई ये ऑलरेडी, ये नहीं कि इंडिया ने रोक दी, ये उनके उनके इंटरनेशनल मुआहदे के मुताबिक उनका दरिया था, उनके इस पानी पे उनका हक था, तीनों दरिया पे उनका हक था। लेकिन आपने ये बोला कि भाई जब उनका पानी उधर ज्यादा वो डूब रहे होते हैं तो इधर छोड़ देता है कि हम तो डूबेंगे तुम्हें भी डुबा देंगे। जो थे उस वक्त के उन्होंने पैसे लेके उनको बांटा था, कैसे रोक सके? अब एक रास्ता जा रहा है जी, मेरे घर से जा रहा है जी, अब मैं उस पे अगले का रास्ता ही रोक दूं? ठीक है, नहीं एक मुआहदा भी तो होता है ना, देखें हमारे जो शुरू से वफादार हैं वो ठीक है। अच्छा एक सवाल ये, हम डैम क्यों नहीं बना लेते, मतलब जब ज्यादा पानी आता है तो हम ये कहते बात सुने, मैं वैसे टॉपिक से हट रहा हूँ जी, बात ये है कि हमारी तरजीहात प्रायोरिटीज जो है ना, ये चीज वो जो मेन स्ट्रीम पहले होनी चाहिए उनको तो हम बिल्कुल नजरअंदाज। अब जो उसने पानी रोक दिया, आप कुछ ना, आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। ठीक है, अब हम इंटरव्यू भी करते रहे और लकीर पीटते रहे, फायदा जी, इंडिया ने पानी रोक दिया, इंडिया ने ये कर। देखें आप इंडस्ट्री को देखें, इंडस्ट्री आपकी तबाह हो रही है, उसकी वजह से लेबर के प्रॉब्लम होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग चोर या डकैतियों में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा उधर भी आपकी तवज्जो नहीं, बिजली की तरफ तवज्जो नहीं, डैम की तरफ तवज्जो, तालीम की तरफ नहीं है, 2,70,00,000 बच्चा इस वक्त आउट ऑफ स्कूल है, उससे क्या आप क्या कौन सी कौम बनाना चाह रहे हैं, कौन सा पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, कोई एक तो मंसूबा बताएं। ठीक है, और बिजली पूरे एशिया में सबसे ज्यादा महंगी, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम दिल करते हैं कि मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में जाके इंडस्ट्री लगाएं, जरा सी भी हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाता। अच्छा आप कह रहे हैं आप पाकिस्तानी है, बिजनेस मैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वतन है। ठीक है, और ये कह रहे हैं जान लड़ाते हैं मुल्क के लिए, मुझे इंग्लैंड जाने के हम प्लानिंग कर, इंग्लैंड के ऑफर थी, मुल्क की मोहब्बत की वजह से नहीं गए कि हमने, लेकिन कहीं ना कहीं सोच आती है कि यार पाकिस्तान से बाहर जाके दिल करता है, अब दिल करता है कि जहाँ जो जो कुछ देख रहे हैं ना, जो कुछ हो रहा है और जो अदालतें कर रही हैं, जो क्या ओवरऑल सिस्टम है वो ठीक है, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को भी, यानी कश्मीर को भी पाकिस्तान बनाना है, दूसरी साइड पे ये जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान के लाहौर में रहते हुए वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। हम आपको बता दें, हमारे वो उसके साथ सुप्रीम स्टेट बैंक है, उसने सेमिनार रखा था कि आए जी हमसे ये लोन ले, हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। अच्छा, हमने कहा उसको क्या करेंगे हम, 25% आपने मार्कअप रखा हुआ है, ठीक है, अच्छा बिजली जो है वो आपके दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं, मैं कि आप खत्ते पे तो गौर करें सर, मैं कहता हूं इंडिया में कितनी फ्री यूनिट है, इंडिया बांग्लादेश और सात दूसरे में उन्हें 7 से 9 सेंट के दरमियान बिजली पड़ती है पर यूनिट, ठीक है, और हमें 14 से 16 अब 18 रुपए बिजली पड़ती है, हमने कहां से हम इसको करें। ऐसे मामले में आप जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ऐसे मामले में आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट का मुकाबला करवा सकते हैं, कहां पे मतलब हमारी खुद दिल करता मिलता हूं। अक्टूबर में हमारा पर यूनिट जो कास्ट आई थी वो 35 रुपए थी, ठीक है, नवंबर में हो गई 52 रुपीज, और दिसंबर में 84 के हिसाब से हमने बिल पे किया है, अब कहाँ से हम पूरा करें यार इसको। तो गर्मी आ रही है, अब तो लोड शेडिंग भी पड़ेगी, वो तो घर के चलो एक अलग चीज है, इंडस्ट्री के लिए लोड शेडिंग का अलग शेड्यूल होता है। आपकी किस चीज की इंडस्ट्री, मतलब किस इंडस्ट्री से बिलोंग? कॉटन फैक्ट्री है, ऑयल मिल है, टेक्सटाइल तो सारी बांग्लादेश जा रही है, जा रही है, क्या करें हम, हम तो कोशिश कर रहे हैं ये सरवाइव करने की, अभी तक तो फाइट कर रहे हैं लेकिन लगता नहीं कि बच पाए। देखे हमारी गवर्नमेंट की अगर बात करें, हमारी गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जो बेसिक, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, जो बेसिक इश्यूज हैं, कितने करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, कितने बनेंगे, हाँ आप बताए ना, वो लेबर बनेंगे, 70 लाख बच्चा
वो क्या बनेगा? वो चाइल्ड लेबर की तरफ जाएगा। चाइल्ड लेबर के या क्रिमिनल या मुल्क में अर्निंग के सोर्स तो वो नहीं बनेगा। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं, कुछ तो नहीं बनेंगे ना, लेबररी बनेंगे बस। लेकिन नारे लगा देंगे और फिर उन्हीं 2 करोड़ बच्चों को हम ये कहेंगे कि हमने कश्मीर भी लेना है। ये चीजें सोचने वाली बात है। इन चीजों को लेना चाहते हैं कि एक और मुल्क आ जाए ताकि एक लेबल और लग जाए, हम भीख और मांग सके। ऑलरेडी कश्मीर के नाम पे वैसे बहुत कुछ हम ले रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा लगा इनसे बात करके। सर आप मुझे ये जरूर बताइएगा, क्या समझते हैं जो माहदे का आपको पता है, जो कि फैक्ट है कि भाई ये दरिया है जो इंडिया के अंदर है, मतलब उनका हक है, इंडिया को उनका हक है और ये दरिया है, हम क्यों नहीं अपने डैम क्यों नहीं बनाए? ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। हम कहते हैं कश्मीर यहाँ आ जाए। आईपीपी को पैसे कैसे देंगे अगर हम डैम बनाने लगे, खुद का फील हो जाए पाकिस्तानी और मुसलमान कौम बहुत बहादुर, बहुत दलेर है, टैलेंट बहुत है, दुनिया जानती है कि अगर ये जरा खुशहाल हो गए ये तो हम सबसे ऊपर चले जाएंगे। अच्छा सर आप, उसके अलावा मसला ये है, ये इस वजह से डैम नहीं बनाते, ये बाहर से जैसे वो प्लांट लेके आते हैं ना बड़े बड़े, उन्होंने उसके पैसे ले रहे थे, बिजली देते नहीं है, पैसे मुफ्त के लेते हैं। अगर इस तरह वो डैम बना देते तो उनकी जरूरत ही ना हो। ठीक हो गया, जो हमने चाइना से प्रोजेक्ट किए हैं या मुस्लिम कंट्री से हमने उसने भी क्या किया है? अच्छा उन्हें एक रखी थी शिक रखी थी कि 80% की एफिशिएंसी कम अज कम होनी चाहिए, वो सेकंड हैंड लेके आए जिसकी 20% एफिशिएंसी है, फिर भी उनको बिल पूरे दिया जा रहा है, वो सिर्फ इनके MNA मिनिस्टर इन सब के हैं। सर अगर एक एजुकेटेड पाकिस्तानी से, एक बिजनेसमैन से या कोई जो इंटरनेशनल लेवल पे अवेयरनेस रखता है कि आज हमारा पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, उससे ये सवाल किया जाए कि भाई आपको कश्मीर चाहिए या पानी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, डैम चाहिए, वो क्या जवाब देगा? मतलब आपके ख्याल से? नहीं, हमारे लिए हमारे पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, पहले इसको तो संभाले। टेक्निकल बात है कि अपने लाहौर से लोग। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो नई गवर्नमेंट आई है जी, मुझे इनमें से कौन अपनी अपनी फील्ड का माहिर है, कोई मुझे एक तो बता दे। ये चीज़ कोई PhD है, कोई डॉक्टर है काबीना में बैठा हुआ, कोई MSc है, यानी क्रीम हो जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, ठीक है, कोई एक बंदा मुझे बता दे। और इन चीजों से इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा इमेज पड़ता है हमारी फॉरेन पॉलिसी। क्या लोगों से डील करेगा इंटरनेशनल, क्या डील करेगा? हर किसी घरों में जाके थैला दे देते, आटा दे देते, लिफाफे बंद करके दे, सबको भिखारी बना के रख दिया, उनको एजुकेट क्यों नहीं करते, उन्हें ये क्यों नहीं बताते? और मैं ये चीज समझता हूँ कि आटा एक और फिर भीख के थैले घरों में पहुंचाते हैं। अब 10-10 किलो के सुन रहे हैं कि थैले जाएंगे माह रमजान में, मुझे मुल्क ऐसे तरक्की करेगा? और ये पब्लिक जो अनएजुकेटेड में कहां से कहां चली गई है? ये नेबर की बात कर ले, आज इंडिया कहां IT में कहां से कहां चला गया। मैं आपको बताऊं, 2017 में हमने टेक्सटाइल मिल के लिए स्पिंडल्स लेने थे, वो अब स्विट्जरलैंड के होते सबसे महंगे, वो $400 के पर स्पिंडल हमें कास्ट करता था, वही प्लांट रीटर का इंडिया ने अपने पास लगा लिया है, वहाँ पे हमें कास्ट कर रहा था $200 में पर स्पिंडल। कितना फर्क पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा डिलीवरी हम 1 साल बाद देंगे, इतना उनके पास ऑर्डर है। ये तरक्की करती है कौमें, ठीक है। और एक चीज मैं जानता हूँ, ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े लेवल के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी सर एक है। अच्छा एक गाड़ी के आपने स्पेयर पार्ट लेने हो, मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों से चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से कोई भी आपने चीज लेनी हो, आप मार्केट में जाइएगा, पहले ये सुनने में आता था जी आपने जापानी लेनी है या चाइनीज ये चीज लेनी है, अब वो कहते हैं इंडियन आपने ये चीज लेनी है, यानी अभी भी यहाँ पे उन्होंने अपनी इकोनॉमी को फोकस कर लिया, टारगेट कर लिया, उन्होंने कहा ये मुसलमान खुद ही लड़ते रहेंगे, आपस में खींचातानी करते रहेंगे, आप अपने इकोनॉमी पे ना फोकस कर लिया, और हमें तो अपनी एक सिम्मत मुतय्यन कर, हमने क्या किया, हम तो आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। सर ये चीजें हमारी मिलके क्यों नहीं बैठते? चलो यही फर्ज खुदा के लिए ही कुछ, यही 2-3 बड़े मिलकर बैठ जाए, 5 साल तो आवाम के लिए कुछ कर ले, क्या नहीं है मुझे ये बताएं। जिम्मेदार भी रो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी रो रहा है, सिर्फ सियासतदान ही खुश है, ठीक है, वो भी होश नहीं है। मुझे इनपुट ज़रात की इनपुट तो देख लें, खादें कहाँ पहुँच गई हैं, बीज कहाँ पहुँच गई हैं, 2 नंबरी अलग चल रही है दवाइयों, मेडिसिन जो उसकी दवाइयों में, ज़रई अद्वियात में 2 नंबरी, खादों में 2 नंबरी, और फिर हम टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, जीरो यूज है। और वही मैं कहता हूँ, 5 एकड़ जमीन का जो यहाँ पे पैदावार है, मैं इनसे पूछूंगा, देखने वाले जो इंडिया से देखने वो बताइएगा आपके वहाँ पे 5 एकड़ क्या है? गंदम के 30-35 मन फी एकड़ है पाकिस्तान में, और वहाँ पे कितने? मेरे ख्याल से डबल, बाहर में तो 160 ले रहे हैं, 160 मन फी एकड़,
आप जहाँ से भी देख रहे हैं जरूर बताइएगा कि आपके एरिया में पर जो सा एक जमीन है पर एकड़ कितनी पैदावार दे रही है। ये चीजें, यही चीजें अगर पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया में डिस्कस हो ऐसे लोगों को जो प्रैक्टिकली बिजनेस कर रहे हैं, जिन्हें ये पता है कि आज नेबर कंट्री कहाँ पे है, हम कहाँ पे हैं, बांग्लादेश कहाँ पे है, कंपेरिजन करें ना, करना चाहिए और फिर मुकाबला भी करें। मैं कहता हूँ आए, हमें ये जानना, हमें किसी भी स्टेट पे पैट्रोनाइज नहीं करेगी, हम जाए किधर, चले ये तो बताए बाहर और बाहर भी आपका ग्रीन पासपोर्ट की क्या वैल्यू है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। वहाँ तो जाके पैसे के जोर पे नेशनलिटी लेंगे। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे, ये चीज पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस होनी चाहिए कि बजाय इसके कि हम इंडिया ने पानी बंद कर दिया, हम जंग कर देंगे, हम ये कर देंगे और वो कुछ है पाकिस्तान में। मैं अब भी कहता हूँ अभी भी बेला तादाद पोटेंशियल है मौजूद, खुदा के लिए मुखलिस हो के सिर्फ 5 साल को तो इसको सीधी डगर पे ले। ठीक है, आप क्या सर कहेंगे, मेहनत करें, खुद मेहनत करें, मुखलिस हो के ना आवाम के बारे में सोचे, जो होना मिल जाए ना, किसी को चोर का है ना कोई चोर है, लानत भेज जो पिछला हो गया। हाँ, देना हाँ, तो उन्होंने है नहीं, जिसने भी यहाँ से लूटा है उसने वापस तो करना नहीं। ये तो हम आपस की बात कर रहे हैं, कोई भी नहीं देगा, ये तो आपस की बात करें। मैं कहता हूँ इंडिया पे इल्जाम लगा देंगे क्या, इंडिया क्या कुछ हमें उसको, इंडिया को नुकसान होगा हमारे इल्जाम लगाने से। आज हमारा इंटरनेशनल इमेज बॉदर ही नहीं कर रहा, हम देख रहे हैं ना, वो बॉदर ही नहीं करता हमारी तरफ, उसने कान लगाना ही छोड़ दिया। ठीक है, वो ये कहते हैं कि अब हमारा पाकिस्तान से मुकाबला है ही नहीं, नेशनल ट्रेड पे चले गए बस, वो ट्रेड ही कर रहे हैं। और एक बड़ी हैरान करने वाली बात है, इंडिया पाकिस्तान जिसके दरमियान में पानी कुदरती तौर पे गुजर सकता है, वहाँ पे पानी का इशू चल रहा है और वही इंडिया यूएई को ट्रेन के थ्रू पानी देने जा रहा है। डॉलर है 280 रुपए का, साथ लुटे बुटे अफगानिस्तान में आज का रेट है 72 रुपीज, जस्ट इमेजिन कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं। सर ये चीजें बेहतर हो सकती है, हो सकते हैं अगर मुखलिस हो, पढ़े लिखे लोग आए आगे, ये चीज है आने पढ़े लिखे लोग आगे आए, उनका टैलेंट, उनको बक्सर में इतना टैलेंट है, आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये डायलॉग मैं सुनता रहता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, वो नजर क्यों नहीं आ रहा? नहीं आने देते ना, ये जो ऊपर बैठे हैं फ्यूडल बैठे हैं, ये सियासतदान बैठे हैं, कोई भी बैठा, हर कोई बस लूटने के चक्कर में, कोई भी मुखलिस नहीं है। आप लास्ट में सर क्या कहना चाहेंगे, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात कर, मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ मेनस्ट्रीम मीडिया से कि ऐसे लोग, मतलब ये नहीं कि इन्हें, जो भी इस तरीके से लोग हैं जो प्रैक्टिकली इश्यूज को जानते हैं, जो फेस करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें लेके आए आगे, वो आपको बताएंगे इंडिया का कसूर है कि हमारा अपना कसूर है, वो आपको बताएंगे, ये बताएंगे कि इंडिया ने जो पानी बंद किया है क्या वो इंडिया ने कोई जुल्म कर दिया है, नहीं, उनका उसके ऊपर हक था, उन्होंने बंद करना था, इतने सालों से पानी आ रहा था, हमने कितने डैम उस दरिया के ऊपर बना लिए, ये एक सवाल पूछे। आप पूरा पाकिस्तान डुबो देते हैं, डैम नहीं बनाना, बंजर जमीनें पड़ी है, पानी का रुख नहीं मोड़ना। अब मैं बताऊं आपको, अफगानिस्तान ने दरिया बना लिया एक आर्टिफिशियल, यार कमाल है, ऐसी टेबल पे बैठ के उनके मिनिस्टर चाय के कप पे अरबों रुपए के सौदे कर रहे हैं, इंटरनेशनल लोगों के साथ बैठ के, और हमारी होती है 50,000 डिशे होती है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर अफगानिस्तान में बन रही है, दरिया दरिया या नहर, जाहिल लोग कोई पढ़े लिखे रहे, आपको पता है कि अफगानिस्तान में जो डैम बना रहा है वो कौन सा कंट्री बना रहा है, किसके कोलैबोरेशन के साथ, कौन, इंडिया, इंडिया बना रहा है, तो ये बात हमें क्यों नहीं समझ आती, हमें लॉलीपॉप दिया गया है, मुस्लिम उम्मा, इस्लामी उम्मा, इस्लामिक ब्रदर, जबकि अफगानिस्तान भी इंडिया से रिलेशन बेहतर कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, इसके अलावा बांग्लादेश कर रहा है, सिर्फ हम क्यों बैठे हैं जो नहीं कर रहे, मुखलिस नहीं है ना, हम आपस में मुखलिस नहीं है, आवाम के साथ नहीं है, नहीं वो पाकिस्तान को इन्होंने लूटने का अड्डा बना लिया कि भाई यहाँ से लूटो, तो कितनी देर लूट लेंगे, अब तो एंड हो गया है, अब एंड हो गया है। मैं देखें, जब भी मेरा एक वो है नजरिया, जब भी मैस ज्यादा क्रिएट होता है यानी गंद ज्यादा फैलता है, तो अल्लाह ताला का खुदकार सफाई का निजाम हरकत में आता है। इस वक्त मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में इतना मैस क्रिएट हो चुका है हर डिपार्टमेंट में, कहीं मजहब के नाम पे भी, ये पिछले दिनों वो क्या वो बाजार में हुआ, वो जो लड़की थी, वो लिखा हुआ था कुरानी हलवा लिखा हुआ था कुरानी याद के, उसको मारने के चक्कर में, यानी अब उन्हें ये भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, ये मतलब वो सऊदीया का ब्रांड है और ऊपर लिखा है, उन्होंने बोला जी आयत लिखी और चले आप जो था वो स्टार्ट हो जाए, कभी मजहब के नाम पे, कभी कश्मीर के नाम पे, और कभी चोर चोर के नाम पे, हम आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज, इंडिया हो, इंडिया से तो मुकाबला बनता नहीं है, मतलब इंडिया से, ये देखे ना जो ये चले हुए कारतूस है ना, जिनके पास अब तीन तीन बारियां लिए बैठे हैं, चार चार लिए बैठे हैं,
ठीक है, इनसे तो कोई तवक्को नहीं। ठीक है, अब यूथ आ गया है, यूथ आ रही है, ठीक है, अच्छा वो अपना हक भी लेगी और कुछ काम भी करेगी। प्लस मैं जो कह रहा हूँ कि मेस क्रिएट बहुत ज्यादा हो गया, तो अब अल्लाह ताला का सफाई का निज़ाम खुदकार हरकत में आएगा और इंशाल्लाह हमारे मुल्क आगे जाएगा। और लेकिन इसमें मुझे भी अपना काम, अपना रोल प्ले करना है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। जो इश्यूज हैं वो दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने लेकर आने हैं, जो रियल इश्यूज हैं, बजाय इसके के क्यों लेकर जाए। हाँ। जब इधर ही लूट मार मची हुई है, वो हमारे को मामे लगते हैं, हमारा साथ देंगे क्यों करें। हाँ बिल्कुल, ये तो हर किसी के अपने मफाद हैं। वो कहते हैं कि हम चलो साथ दें, हम रिलेशन बेहतर करें, हम किसके साथ बात किसके साथ करें। देखे ना, आप तो उनको धोखा ही देते हैं ना, सब कोई धोखा देते हैं। यहाँ भी देख लें, हर कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है। कोई सिंसियर हो के ट्रेड कर रहा है, हर कोई मिलावट कर रहा है, हर कोई बेईमानी कर रहा है। और हमारे नजदीक पाकिस्तान से मोहब्बत इसी में है कि हम बस एक नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से मोहब्बत, क्लियर। वैसे चोरी करें, बेईमानी करें, हमारे मुंह पर खून लगा हुआ है। अब हमें जायज हलाल का तमीज ही खत्म हो गई। ठीक है, नहीं मुझे ये पता है, पिछले महीने तक खजूर जो थी, ईरानी खजूर 500 रुपए केजी थी। ठीक है, ठीक है, आज जाके रमजान आने वाला है 1000 रुपए केजी हो गई। दूसरे कंट्रीज में ये सस्ती हो जाती है रमजान, ये नॉन इस्लामिक कंट्रीज, मुसलमान है यार। ठीक है, मैं कहता हूँ नॉन इस्लामिक कंट्रीज में सस्ती हो जाती है। हम तो वाजिबुल कत्ल लोग हैं, जो इस तरह ये खत्ते है ना, इस तरह नाजायज मुनाफा और ये सारा कुछ, इनको वाजिब कत्ल होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, चोरी की जो सजा है वो यहाँ पे लेकर आए सर, दो मिनट में सारा निजाम से यही हो जाएगा। इंसाफ ले, देखें आप सिर्फ इंसाफ लें, अदालतें फ्री एंड फेयर हो, मैं कहता हूँ पूरा मुल्क एक ही दिन में सही हो जाएगा। अच्छा, दूसरे कंट्रीज जो आगे जा रहे हैं उनकी आगे जाने की क्या वजह है, मतलब बांग्लादेश की, मैं कहता हूँ इंडिया की क्या वजह है, इंडिया की, इंडिया के वो मुखलिस है उनके सारी ना लोग, अपने साथ मुखलिस है वो सारे अपने मुल्क के साथ, ठीक है, वो हर चीज अपनी यूटिलाइज करते हैं वहीं पर, ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक मुझे अब सन याद नहीं है, उन्होंने बाहर सबसे कह दिया कि जो जितनी जितने वहाँ पे तनख्वाह ले रहे हैं आके वापस आ जाए और हमसे उतनी तनख्वाह यहाँ पे ले और टैलेंट यहाँ पे दिखाए, और हम यहाँ पे 13 लाख बंदा बाहर चला गया। वजीर आजम साहब कहते हैं, जाने दो, डॉलर आएंगे, डॉलर नहीं आएंगे। क्रीम जा रही है, टैलेंट देखे ना, टैलेंट बाहर जा रहा है। आप हर महीने की फिगर उठाए, आपका हर जो क्रीम है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो बाहर जाना चाह रहा है, बाहर जा रहा है, जाना नहीं जा रहा है। मैं भी कहता हूँ बिजनेसमैन भी बाहर ही जाना चाह रहा है। अभी आप यहाँ से सारे ओपन करते हैं बॉर्डर्स, यहाँ पे सिर्फ कब्रिस्तान रहेगा, तो इंडिया चले जाएंगे सारे, इंडिया बांग्लादेश जहाँ पे सारे बॉर्डर खोल दें, यहाँ कोई भी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा अपना कब्रिस्तान ही बचेंगे। ठीक है, या वो लोग बचेंगे जिनको यहाँ से अपना वो एक सिस्टम बनाया हुआ है, उन्होंने नहीं बचेंगे ना, वो जब हम नहीं होंगे हम पे हुकूमत क्या करेंगे, हम पे ही हुकूमत कर रहे हैं ना वो। ठीक है, वैसे कहने को हम 1947 में आजाद हो गए थे, लेकिन आज भी इनडायरेक्टली हम घोरों की गुलामी में है। IMF के मर्जी के बगैर हम अपना कोई बिजली के बिलों में इजाफा या कमी नहीं कर सकते, पेट्रोल की कीमतों में नहीं, इवन ईरान से हम ऑयल नहीं ले सकते। अभी इन्होंने भेजी थी IMF के पास ना के $9 ना इसको करे परसेंट के लिए ना, इंडस्ट्री के लिए ना, हम ये करना चाह रहे हैं उसके सरवाइव करने के लिए, उन्हें मना कर दिया था, उन्होंने कहा नहीं $16 से आपने काम नहीं करनी। तो ये गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान की बनती है या IMF की बनती है? IMF कंट्रोल कर रहे हैं ना सारे। ठीक हो गया, हम भीख मांगते हैं। सिंपल से एक बात बताऊं, ये जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं ना, एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, दूसरा ये पढ़ना लिखना जान चाहते भी नहीं, क्योंकि एक मैंने बड़ी मशहूर है पाकिस्तान में एक बात के, यहाँ पे किसी ने फॉरेन इन्वेस्टर ने आके बोला कि हम आईटी पार्क बनाना चाहते हैं, तो हमारे एक मिनिस्टर कमीशन नहीं, हमारे मिनिस्टर साहब ने बोला आईटी पार्क मतलब वहाँ पे कोई रिबोट झूले देंगे, ये आईटी पार्क है, जबकि आज वही आईटी पार्क के सर पे नेबर कहाँ से कहाँ चले गए हैं, कहाँ से कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। बहुत जबरदस्त बात रही इनके साथ, जो उनकी गपशप रही है, इन्होंने जो टेक्निकल बातें बताई हैं, बिजली का रेट इन्होंने बताया, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या है, नेबर कंट्री में क्या है, डॉलर की कीमत यहाँ पे क्या है इन्होंने बताई। जरूरी मुल्क है, क्या किया है गवर्नमेंट ने ज़राअत के लिए, चले बताए, ठीक है, सिवाय उनको जिम्मेदार को तकलीफ देने के क्या किया। एक चीज तो बता दें कि वहाँ पे रिलीफ दिया है, ट्यूबवेल में दिया है। मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी नहीं लेके आए, टेक्नोलॉजी यार, हम सोलर के लिए 6% पे दिया है इन्होंने, कि थोड़ा सा अमाउंट रखी है इन्होंने स्टेट बैंक ने ना, 6 महीने से पीछे भाग रहे हैं कि वो 6% पे हमें दे सोलर, हम इंडस्ट्री में लगाए, चलो बिजली हमारी हो, चलो सस्ती हो, और पाकिस्तान का फायदा होगा इसमें, ग्रीन एनर्जी है। ठीक है, अच्छा
पोल्यूटेड नहीं है, बहुत सारे फायदे, मुफ्त एनर्जी, मुल्क पे बोझ नहीं पड़ेगा। मैं सर अभी मेरा एक फॉरेन का विजिट था, मैंने वहाँ पे जाके एक इंडियन से बात की कि आपके बिजली के क्या इश्यूज हैं या क्या, उन्होंने बोला हमने अपने घर में सोलर सिस्टम लगाया है, हम उल्टा गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो गवर्नमेंट को देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। मतलब उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, उन्होंने सोलर के ऊपर आए, दूसरे जो उनसे इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज है उनके ऊपर वर्क किया, हम यहाँ पे ये करेगा कौन, ये चले हुए कारतूस नहीं सर, उन्होंने अगर कर लिया तो हम देखिए नहीं देखिए इंडिया की आबादी कितनी है आपको आइडिया है? 1 अरब 40 करोड़, इतनी बड़ी आबादी को बिजली दे रहे हैं, फ्री बिजली भी दे रहे हैं, कहीं इलाकों में दे रहे हैं, दिल्ली वगैरह में, दिल्ली स्टेट में तालीम भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, स्कूलों में 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, और क्या क्या रहे? और हम 25 करोड़ नहीं मैनेज कर रहे हैं, और अभी हमें नहीं है ना सर, अभी हमें कश्मीर भी चाहिए। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे ये भाइयों ने जो बातें की, इसमें तो नो डाउट मैं एग्री करता हूँ 100%, बड़ी टेक्निकल बातें की है इन्होंने, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट की जो सोच है वो यही सोच होती है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं लेकिन अब सिस्टम ही नहीं चल रहा, पाकिस्तान पे बोझ बनने की बजाय वो सोच रहे हैं कि चलो भाई हम बाहर जाके कोई बिजनेस कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, बेहतरी आएगी कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, जरूर आएगी, ठीक है, अब इंडिया पानी नहीं देगा, हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या नहीं, जब तक एक नेशनल डायलॉग नहीं ना होगा, सबसे आसान एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, ठीक है, स्टेट का हर अदारा अपने फराइज पूरे नहीं करेगा तो ये मुल्क नहीं चल सकेगा, ठीक है, इसको लूट मार ऐसे ही करते रहेंगे। इसमें मेरा और आपका भी बड़ा रोल है, हमें भी बात करने की जरूरत है ना, सरकार तो हम ही है, हम ही उनको सिलेक्ट करते हैं, इलियानिया ऊपर से नहीं नहीं मैं ना, मैं नहीं समझ आप कहें कि 25 करोड़ बंदा हर कोई अपने गिरबान में झांके जी और सही कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं सर। देखें एक SHO सुने, एक SHO आता है ऊपर से नीचे तक, तकरीबन 100 बंदा उसके नीचे होता है, पुलिस वाला, सारे पैसे खाते हैं, एक ईमानदार SHO मैं गारंटी से कहता हूँ नीचे तक 1 रुपया भी नहीं खाएगा, ठीक है सर, आपने बोला ठीक है, ये आपकी ओपिनियन है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा मोटरवे पे सख्ती है, कानून है, उधर वहाँ पे हम सही हो जाते हैं, जस्ट इमेजिन हाँ। अगर हमारी टॉप की आदत जो है मुखलिस हो जाएगी, ठीक हम डेफिनेटली इदारे भी मजबूत होते जाएंगे, अवाम भी सही सुधरती जाएगी हाँ, यानी सिस्टम अगर ठीक होगा, पता है कि भाई करप्शन करते हुए मैं पकड़ा गया, एक आम इंसान या एक पॉलिटिशियन, एक MPA MNA मिनिस्टर पकड़ा गया, सजा तो एक ही है और वो मिलेगी, फिर सब सही हो जाएगा, कानून वही, कानून हो, अदालतें फ्री हो। कितने टाइम तक ये हो सकता है, मतलब आज हम शुरू करते हैं तो 5 साल 10 साल में सिस्टम बदल सकता है? हमारे तो बस में नहीं है, बस मैं तो वेट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला का खुदकार निजाम अभी आने वाला है, आने वाला है। चले जी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और इस हवाले से अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात कीजिए, मैं यही कहूंगा चले इन्होंने जो बात की है, सिस्टम ठीक होगा तो ही पाकिस्तान ठीक होगा, मैं एग्री करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी भी जिम्मेदारी है, इनकी भी जिम्मेदारी है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी सोच को बदलें। अगर हमें कोई झूठे लारे, झूठे दावे, झूठे नारे के पीछे लगाता है, कभी कश्मीर के पीछे, कभी इंडिया से नफरत के पीछे, कभी अफगानिस्तान से नफरत के पीछे, अब वो दौर गया, हमें आगे बढ़ना है तो अपने आप को, अपनी गलतियों को ठीक करना है, इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है उसे समझना है, ये जज्बाती स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा, ऐसे ही है, चेंज हुई है तो इतना वोट पड़े हाँ ये बात है, तो फिर ये तो मैं भी यही कह रहा हूँ ना कि हम चेंज होंगे तो ही उन्होंने ड्यूटी दी है, लेकिन हमारे इदारों ने साथ नहीं दिया, इंसाफ करें, यही चीज है। बहुत अच्छा लगा ये बात करके, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।